हम लाइव हम लाइव आ गए, आए कि नहीं आए? लाइव है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम आयशा यूसुफ है और आज मेरे साथ मौजूद हैं, वैसे तो मैं पहली मर्तबा ही लाइव आई हूँ अपने पेज से, लेकिन मेरे आज साथ जरूरी, आज जरूरी हो गया, जरूरी हो गया था। उमेर बशीर आज मेरे साथ मौजूद है। उमेर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अलहमदुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश है, लेकिन आज खुश होने के साथ साथ हमने सोचा कि लाइव आना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ जवाब जो हैं वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज लाइव 6 बजे के बुलेटिन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि उधर तो हमने वैसे पूरा कर दिया था, लेकिन हमने सोचा कि जो बातें हम लाइव नहीं कर सकते थे, टीवी पर नहीं कर सकते थे, वो हम लाइव आकर कर दें। तो मैं आगाज़ आप करेंगे फिर? आगाज़ करेंगे, और सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि हमारी जो तरबियत है, हमारे घर वालों ने जो बड़ों ने सिखाया हमें तमीज़ तहजीब, और उसके दायरे में रहकर हम बात करें, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी जगह है, और अगर मैं झूठा हूँ, मैं गलत हूँ, तो मैं अपनी आवाज़ ऊंची करके, अपनी आवाज़ लाउड करके अपनी गलत बात को सही नहीं साबित कर सकता। तो पहले नंबर पर मैंने ना कभी लाइव शोज़ में किसी को कहा है कि आम खा आम खा, ठीक है, और भी खुदा ना खास्ता मैं आके तबलीग की बातें करूँ, तालीम व तदरीस की बातें करूँ, लेकिन ऑफ कैमरा जब वीडियो लीक हो तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे से कभी भी ऐसे ना बुलवाए, जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की गालियाँ आप देते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और रही बात, आपने काफ़ी कुछ कहा कि कौन क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बाहर निकल कर देखें, तो आपको मैं चैलेंज करता हूँ, अभी आप बाहर निकलें। आप तो कर रहे हैं शोबाजियाँ, ठीक है, आप तो कर रहे हैं दिखावा, क्वारंटीन होकर अपनी फैमिली के साथ, अपनी जो आपकी अहलिया है उनके साथ आप क्वारंटीन में अपने घर में बैठकर ये सारी बातें कर रहे हैं। हम इस वक्त ऑफिस में मौजूद है, जिस तरह से डॉक्टर्स, जिस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिस तरह से बाकी वो तमाम लोग जो इस वक्त आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम भी इस वक्त टेलीविजन जो चैनल है उसके अंदर बैठे हुए हैं, हमें छुट्टियां नहीं हुई हैं। आप लोग हमें कह रहे थे कि आप लोग बाहर निकले, हम एसी में बैठ के, हमें बड़ा मजा आता है, हमें मजा नहीं आता, हमें सवाल करने होते हैं, और हमारे लिए जरूरी इसलिए सवाल करना है क्योंकि आवाम जो बैठी है वो भी सवाल करना चाहती है, पूछना चाहती है। मुझे लगता है इनको गुस्सा इस बात का था उमेर कि इनको शायद पीटीआई में कोई पूछता नहीं है, कोर कमेटी में नहीं बुलाते, ठीक है, आज कोर कमेटी का इजलास हुआ है, इसके साथ साथ जितने भी जो इजलास होते हैं उनके अंदर इनको कोई पूछता नहीं है। आपसे मेरे ख्याल से हमें सवाल ये करना चाहिए था कि गालिब फिल्म आपको कैसी लगी, ठीक है, गालिब फिल्म के बारे में सवाल होता, और जो मेयर ने कहा कि आम खाएगा आम खाएगा, और जिस तरह की बातें आप अपने प्रोग्राम्स में करते हैं, कभी आप बन जाते हैं जी आलिम दीन बन जाते हैं, ठीक है, एक जोकर जो है वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये बन के बैठे हुए, और जब इनसे सवाल होता है, जब इनसे सवाल हो, और बार बार ये हो रहा था कि यार इनको लाइव नहीं लेते, रिकॉर्डेड ले लेते हैं, लेकिन हमने कहा चलो इनको लाइव ले लेते हैं, लाइव इनको लिया है, और लाइव आते साथ ही इन्होंने बता दिया कि ये खुद क्या चीज़ है, इनकी असलियत क्या है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमने बड़ी तमीज़ के साथ इनसे सवाल किया कि आपकी इस तरह से वीडियो, आप अपने ही वज़ीर आज़म का, उनके पैकेज का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई सफाई आप देना चाहें, कुछ कहना चाहें? वो शुरू हुए और उसके बाद उनको रोकना मुश्किल हो गया, और अब तक जो सोशल मीडिया पर ये वीडियोस गई हैं अपनी, तो उसमें उन्हें खतरे में महसूस हुई कि शायद उनकी जो सीट है वो खतरे में पड़ गई, और हम ये बात कर रहे हैं, हम ये गुस्सा कर रहे हैं इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ हमें गलत कहा, हमें बुरा कहा, और गुस्सा इसलिए कि आप आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं, और आवाम का हक है कि आपसे वो सवाल करें, और आपसे जब सवाल करते हैं, आपको आईना दिखाते हैं, तो आप बुरा मान जाते हैं। शर्म करें, अपना लेवल चेक करें, खुद को आलिम आप कहते हैं, हमें शर्म आ रही है कि हमारे आलिम ऐसे हैं, तो फिर इस कौम में अजाब आएंगे, हुक्मरान भी ऐसे आएंगे, अजाब भी ऐसे आएंगे, और समझ नहीं आती। मेरे ख्याल से आप ना अपने तमाम दरवाजे ना खुले रखना चाहते हैं, आप कर देते हैं बात वजीर आजम के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ, उनके वजरा के खिलाफ, जो कि आपकी अपनी ही पार्टी के हैं, और उसके बाद में आ जाते हैं सफाई देने के लिए। मेरे ख्याल से ये मीडिया में इन रहने का तरीका भी है, वो मैं यही तरीका है ना, जिस तरह से हम बाकी लोगों को कहते हैं कि जानबूझ के स्कैंडल जो है ना वो बनाए जाते हैं ताकि मीडिया में रहे और बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये सारी जो बातें हैं इनके ऊपर बहुत अच्छी जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, और इनको लगता है कि शायद इनके प्रोग्राम्स की रेटिंग आती है, और लोग आपको इसलिए नहीं देखते कि आप आके आलिम दीन बन के बातें करते हैं, लोग कहते हैं क्योंकि कॉमेडी शो लोगों को चाहिए, और लोग चाहते हैं कि उनको कोई जोकर नजर आए जो बातें कर रहा हो। क्या कहते हैं आप? मैं क्या कहूँ, मैं तो सब कुछ कह दिया मैंने, और ये सब मैं अगेन यही कहूंगा कि इसलिए नहीं कि आपने कोई बात की है, आपने हमें कुछ बुरा भला कहा है, दरअसल मुझे गुस्सा इस चीज का कि आप अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम का सवाल आपको बुरा लगता है। ये हमारे चैनल के बारे में इन्होंने बात की, आपको पता है, अगर आप में थोड़ा सा भी हुआ
ना आप एक दफा आकर देखें कि ये इस इदारे के लोग इधर के इम्प्लॉयज के लिए क्या कर रहे हैं और दीगर लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आप कितना एटलीस्ट दिखावा नहीं कर रहे, आप कितना इलेक्शंस के दिनों में बाहर नहीं निकलते मौसमी सियासतदानों की तरह, और जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, अगर चले मान लिया आपने वज़ीर आज़म की बात पर तनकीद की है तो भाई मैं अप्रिशिएट करता आपको कि आप मर्द बनते फिर खड़े होते सामने के हाँ मैंने कहा एग्जैक्टली आप क्योंकि यार मैंने ये बोला है, हाँ मैं ये बोला, मैं अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूँ, हुकूमत सही नहीं कर रही, वज़ीर आज़म साहब कोरोना को सही डील नहीं कर रहे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और यकीन करें आपके लिए मैं कंपेन भी चलाऊंगा, लेकिन आप क्यों डर गए? अगर आप हैं दलेर हैं तो दलेर बने फिर सर, आए सामने आके फिर बात करें फिर। और कहते हैं कि जी मीडिया जो है ना फसादियों का रोल अदा कर रहा है और हमारी पर्सनल चैट थी, भाई पर्सनल ये नहीं होती है, सोशल मीडिया पे पर्सनल नहीं होता है, सोशल मीडिया पर आप लाइव आकर ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरी पर्सनल गुफ्तगू थी, भाई नहीं कह सकते, आप इतने अरसे से मीडिया में आपको ये सारी बातें पता है, लेकिन आपने जानबूझ के ये किया और जब आपसे सवाल हुआ तो आप ये कहते हैं कि जी ये तो मेरी पर्सनल बात थी और आप मुझे मेरे वजीर आजम से अलहदा नहीं कर सकते। भाई आप पहले सोच लें कि आप किस पार्टी के अंदर है, कभी आप जाके जरदारी साहब के कदमों में बैठ जाते हैं, कभी आप लाइव प्रोग्राम में आके कहते हैं मैं तो सियासत जो है ना उसको खैरबाद कर रहा हूं, सियासत में कभी आऊंगा नहीं, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप, और ये बात भी याद रखिए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, किसी और वजह से मौजूद नहीं है। आप इंडिपेंडेंट लड़कर देख लें, अगर आप कामयाब हो जाएं तो मेरे ख्याल से हम सारी बातें मान लेंगे आपकी जो भी आप कह रहे थे, लेकिन आप सुनते तो हैं नहीं किसी की बात, तो इसीलिए हमें लाइव आना पड़ा और वोट ना मिले। जी क्या कहा आपने? लेकिन तो शायद घर से भी वोट ना मिले। वो मेरे ख्याल से एक ही वोट मिलेगा क्योंकि बाकी जो तीन वोट हो सकते थे वो तो उन्होंने गवा दिए हैं। बहरहाल हमारे साथ बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं, इरम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार इम्तियाज खान हमारे साथ मौजूद है, सलाम कह रहे हूँ मैं आपको, राना मोहम्मद अजीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ तनवीर हुसैन साहब जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो आप तमाम लोगों को मैं वेलकम करूंगी। और क्या फिर उमैर मजीद क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जो भी कह रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे लगा रहा हूँ अपने, और आप वहाँ पे भी मुझे भी देख सकते हैं उमैर बशीर के नाम से, हर जगह मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ आपके पेज से। तो बहरहाल ये है कि आप सब लोग भी सरदार इमनाज खान सलाम, उमर भी वालेकुम सलाम, आप सबको वालेकुम सलाम, सुपर एक्सीलेंट। बहरहाल आप सब लोग, हम इन लोगों को वोट देते हैं, हम इन लोगों के लिए जज्बाती होते हैं कि यार ये जीते हैं ये आगे हैं, इमरान खान साहब को जिन लोगों ने वोट दिया उन सब के लिए दुख मुझे इस बात का है कि आज सब लोग दुख हैं कि किस बंदे को किस चीज़ को हम लोगों ने इलेक्ट कर लिया है और ये कौन सा अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है, कोरोना से पहले ये वाला अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत है, मेरे ख्याल से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन उसके बावजूद हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह मियाँ इनको अकल दे, अल्लाह मियाँ जो है ना इनको इस काबिल ही बना दे कि ये लोग इस वबा से लड़ लें। अब ज़्यादा मैं इस बारे में उमैर इससे नहीं कहूँगी क्योंकि आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया के जो सारे टाइगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। मैं आप सब लोगों से सिर्फ ये कहूँगी कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दे, क्योंकि ये जो है ना अब एंजाइटी बनती जा रही है लोगों के लिए, जिन लोगों को नहीं भी है उन लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे फारिग बैठे बैठे ना कभी छींकें आने लगी हैं, कभी खांसी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैं कि जो हमारी सूबाई वज़ीर पंजाब हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनसे जब हम पूछते हैं कि आप लोग टेस्ट करवाने के लिए क्या कर रही हैं, आप लोग क्यों अब जो है आम लोगों का टेस्ट नहीं होने दे रहे, या जो इस वक्त निजी लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो आम आदमी कहाँ जाए, जो गरीब आदमी है जरा अफोर्ड नहीं कर सकता वो कहाँ जाए, तो वो कहती हैं कि जो बंदे बाहर से आ सकते हैं वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। ये जवाब सुन के उमैर सिर्फ मुझे अफसोस होता है कि हम लोग इनके रहमो करम पर रह गए हैं, इससे बेहतर तो भाई शहबाज शरीफ साहब थे। उस दिन उस्मान गुजार साहब लाइव आए हैं और उस्मान गुजार साहब ने तीन चार रटी रटाई लाइनें पूछी हैं, जब साफी ने उनसे डायरेक्ट सवाल किया तो कहते हैं हमारे जी फाइनेंस मिनिस्टर आपको इसके बारे में बताएंगे। तो बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात का कि हमारे सरों पर ये लोग मुसल्लत हैं, अल्लाह मियां हमारा हामी और नासिर हो। इसके लिए अलग से एक सेशन रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, मैंने इस पर आप सबसे बात करनी थी, बड़ी डिटेल डिस्कशन करनी थी आप लोगों के साथ, तो उसमें यह कि काफ़ी सारे जो है ऐसे करप्शन के मामले भी सामने आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिस हैंडल की जा रही हैं, उनको टैकल सही तरीके से नहीं किया जा रहा। ये कोरोना यहाँ पे ख़त्म नहीं होने जा रहा, ये मामला इंतहाई संजीदा और संगीन हो चुका है और यहाँ पे थोड़ी सी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की और ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत जल्द, और आज हमने इसी हवाले से बात करनी थी कि कोरोना पे क्या क्या कुछ हो रहा है और आर्मी हॉस्पिटल के अंदर की सूरतहाल आपके साथ शेयर करनी थी कि कमरा नंबर 37 के पेशेंट के साथ क्या हुआ। ये याद रखिए रूम नंबर 37
वहाँ पर क्या हुआ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत जल्द शेयर करूँगा, और भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि वाकई बड़ी परेशान कुन है हम सब के लिए। तो मैं जल्दी आपके साथ लाइव आता हूँ, मैं और आयशा एक बार फिर से आएंगे, उस पर बात करेंगे। आज डॉक्टर साहब ने हमें कहीं और कर दिया। हाँ, उमेर ने सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया कि आखिर कमरा नंबर 37 में ऐसा क्या था, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए आमिर डॉक्टर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आप क्या चीज़ है आपने खुद ही बता दिया, तो हमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जी बहुत अच्छा लगा लाइव आकर, और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अज़ीज़ जावेद राणा साहब मौजूद हैं, और कहते हैं कि असल मसला ये है कि हम सच्चाई से भागते हैं और बाद में अपने ही अल्फाज से भी भागते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, बिल्कुल ऐसा ही, और हमें लगता है कि हम अपनी आवाज़ ऊंची करके अपनी गलत बात जो है ना उसको भी सही साबित कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। बाकी जो है कह रहे हैं कि झूठ के आदमी लाइव आया करें, गुड पॉइंट। अच्छा, बाकी मेरी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कमीना तरीन इंसान आमिर लियाकत ये कह रही हैं, मोहब्बत ख्वाफ सफ़र। अच्छा नहीं, ये कोई नाम नहीं है बल्कि चैन उसका नाम है। चले जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव आते रहें और किसी न किसी चीज़ पर बात करते रहें। उमैर के साथ एक मरतबा मैं फिर से लाइव आऊँगी और तब आपके साथ मिलकर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।